राजस्थान के भरतपुर में 19 साल की अंकिता राजपूत की उसी के घर की छत पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अंकिता बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ती थी। अंकिता के माता पिता दोनों ही सरकारी स्कूल में टीचर थे। दोनों घर से स्कूल के लिए निकलते तो घर के बाहर ताला लगाकर जाते थे ताकि घर में अंकिता और उसकी छोटी बहन सुरक्षित रहें। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटी के साथ ऐसी अनहोनी भी हो जाएगी। घर में अंकिता के साथ उसकी छोटी बहन कनिष्का भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि अंकिता किसी काम से छत पर गई थी, तभी गोली चलने की आवाज आई और छोटी बहन ने जब छत पर जाकर देखा तो अंकिता का लहूलुहान शव छत पर पड़ा हुआ था और हाथ में गन लिए हुए सुनील नाम का एक लड़का पास ही खड़ा हुआ था। मुझे, मैं नीचे सो रही थी, उसने दो बार आवाज दी, दीदी दीदी। मुझे लगा अंकल की मंगी मंगी आ गया शायद, इसलिए मैं जीने में चढ़कर आई। मैंने दरवाजा खटखटा के गेट खोल, उसने गेट नहीं खोला। फिर उसने चाची जी को भी आवाज दी, पड़ोस वाली। मैंने कनक आंटी को आवाज दी। जैसे ही मैं बालकनी तक गई, मैंने गन की आवाज़ सुनती। आंटी को छोड़ करके ऊपर गेट अंकिता ने खोल दिया था, वहाँ पड़ी हुई थी और वो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था गन के साथ में, कूद गया। मैं उस लड़के को देखा था। क्या नाम उस लड़के? सुनील। तो पहले से जानते हो आप, परेशान कर रहा था क्या? हाँ अंकल, पहले से परेशान कर रहा था। पहले भी मोबाइल वाला वारदात हो गई थी। मम्मी पापा से हमने बोला था, मम्मी पापा के घर जाके शिकायत भी की थी उस लड़के की। उस लड़के के माँ बाप ने पापा जी के हाथ पांव जोड़ के बांध मामला रफा दफा कर दिया था। कनिष्का को देखते ही सुनील छत की दूसरी मंजिल से कूद कर फरार हो गया। अंकिता के घर वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही सुनील ने उनकी बेटी के साथ बदसलूकी की थी, जिसकी शिकायत अंकिता के माता पिता ने सुनील के घर वालों से की थी और उसी बात का बदला लेने के लिए ही अंकिता की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जरूरी सबूत जुटा लिए हैं और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक सुनील सनोप वीरेंद्र जाट निवासी, इनके जस्ट पीछे ही उसका मकान बन रहा है, वो इसको कोई गोली मार के चला गया। उसके बाद में हमने उसको आसपास वहाँ पे तलाश किया तो पता नहीं लगा उस सुनील का, तो वो वहाँ सुनील तो मिला नहीं। और फिर आरबीएम से हमें सूचना मिली कि अंकिता जो लड़की है, पीड़ित थी, उसकी वहाँ मौत हो गई है। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं और मुलजिम को तलाश रहे। तो सर, ये चोरी लूटपाट का मामला हो सकता है या फिर एक पक्षीय प्रेम का मामला हो सकता है कुछ? क्या आप इस वहाँ पे, मुझे आप लोगों ने भी कहा कि साहब ये पहले इस लड़के ने इसके साथ में कोई आपसी इनका प्रेम प्रसंग का मामला होगा, पहले बोलो इनमें आपस में बैठ करके राजीनामा करवाया था, तो उसी के संदर्भ में ही है ये। पुलिस के मुताबिक ये मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का लग रहा है। बहरहाल, जब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता तब तक इस हत्या की असल वजह का पता नहीं चल पाएगा। लिहाजा पुलिस की कई टीमें आरोपी सुनील की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही हैं। राजस्थान तक के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।